हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई होप यू आर आज फ्राइडे है, दो दिन बाद मंडे को को को, आएगा. पर और को, को, और संडे न्यूज़पेपर की टेलीग्राम चैनल के पोस्ट में शेयर किया जाएगा तो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाईजर से रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आई है जिस पिटिशन में गवर्नमेंट के पिछले साल नवंबर में लिए गए असेंशियल मेडिसिन के प्राइस के रिवीजन को चैलेंज किया गया है गवर्नमेंट ने पिछले साल नवंबर में असेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस को रिवाइज किया था अब ये क्या होता है गवर्नमेंट ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013 डीपीसीओ के बेसिस पर पीरियोडिकली असेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस को रिवाइज करती है तो इन पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन की है कि गवर्नमेंट का असेंशियल ड्रग्स की प्राइसिंग का एडवांटेज देती है और इन पेटिशनर्स ने बोला है कि गवर्नमेंट ने अपनी में diseases, जैसे की एच आई वी डायबिटीज हाइपर एनीमिया जैसे कॉमन कंडीशंस के ड्रग्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ है अब इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट कैसे हैंडल करती है दिस रिमेन्स टू बी सीन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रस्पेक्टिव से इस इवेंट में काफी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि, और अब की नेशनल तो, करती है इसमें फिलहाल तीन सौ चौरासी थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर असेंशियल ड्रग्स हैं इन ड्रग्स के प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंश्योर करने के लिए कि ये अफोर्डेबल रहे सभी के लिए

इसकी डिटेल्स के लिए भी आप नोट्स को रेफर कर लें इस नेक्स्ट न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जिसको होम मिनिस्टर अमित शाह ने मॉनसून सेशन के आखिरी दिन में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था यह बिल अभी पास नहीं हुआ है और इस समय पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास है जहां पर इस बिल पर डेलीबरेशन चल रही हैं। आई एम श्योर यू नो कि यह बिल इंडियन पीनल कोड एटीन को रिप्लेस करता है उसके काफी सारे प्रोविजंस को रिमूव करता है और कुछ नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करता है तो हटाए गए मेजर प्रोविजंस में से एक मेजर प्रोविजन है आईपीसी का सेक्शन 377 सेक्शन 377 अमंग अदर थिंग्स होमोसेक्सुअलिटी को पनिश करता था और इस सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2018 की एक लैंडमार्क जजमेंट में स्ट्राइक डाउन कर दिया था तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं सेक्शन सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी से डील नहीं करता था वो बिस्टियलिटी को भी क्रिमिनलाइज करता था बिस्टियलिटी मतलब एक ह्यूमन का किसी एनिमल के साथ सेक्सुअली एंगेज होना तो एनिमल एक्टिविस्ट्स अभी चिंता में हैं क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 377 को इस नए बिल में पूरी तरह से हटा दिया गया है पर बिस्टियलिटी से डील करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में किसी नए प्रोविजन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और अब हो सकता है कि देश में बेस्टियालिटी से डील करने के लिए कोई कानून ही ना हो और ऐसा करना फिर एक क्राइम ही ना कहलाए एनिमल एक्टिविस्ट चिंता में हैं क्योंकि ऐसे कई केसेस हुए हैं जब ह्यूमंस को बेस्टी में एंगेज होते हुए पकड़ा गया है ऐसा ही एक केस रिसेंटली दिल्ली में हुआ था जब एक आदमी एक फीमेल डॉग को सेक्सुअली अब्यूज करते हुए पकड़ा गया था और ऐसे बाकी और केसेस भी हुए हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रस्पेक्टिव से इस बिल में भारतीय न्याय संहिता दो का बिल इंपॉर्टेंट है ई होप आर ऑलरेडी अर पार्ट ऑफ यूर नोट्स बाय नाव इफ दे आर नॉट यू कैन रेफर टू दिसम द डिस्क्रिप्शन ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशियरी से सुप्रीम कोर्ट ने कल इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एन जे डी जी को ज्वाइन कर लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में केसेस जजमेंट्स हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड डाटा को इजिली ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकेगा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की बात करें तो ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर ऑपरेट कर रहा एक इनिशिएटिव है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एक ऑनलाइन डाटा बेस्ट सिस्टम है जिससे इंडिया के सभी लोअर कोर्ट्स लिंक्ड हैं। किसी भी कोर्ट में पेंडिंग केसेस दिए जा चुके जजमेंट्स और बाकी सभी एस्पेक्ट्स की डिटेल को इजीली प्रोवाइड करता है ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट दो Which I hope you know, कि इसको इसी मानसून सेशन में पास किया गया है और प्रेजिडेंशियल के बाद अब ये एक लॉ भी बन चुका है तो एज अटेस्ट न्यूज होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि एक अक्टूबर के बाद से सभी स्टेट के लिए कंपल्सरी होगा की बर्थस और डेथ्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर किया जाए इसके बाद यह पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिजिटाइज हो जाएगा और ये डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स फिर हर जगह पर वैलिड होंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एजुकेशनल एडमिशन के लिए वगैरह के के लिए और ये डाटा ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ भी शेयर कर दिया जाएगा और इस डाटा से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा अब इससे रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन सेंसस जिसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं उसको पहली बार कब कराया गया था और उसके एम्पावरिंग स्टेच्यूज कौन कौन से हैं ये न्यूज है नॉर्दर्न अफ्रीका में लोकेटेड कंट्री लिबिया से जहां पर एक डेनियल नाम के सीवियर स्टॉम की वजह से काफी तेज बारिश हुई और फिर बनी जनरल सुनामी की वजह से वहां का एक मेजर डैम टूट गया जिसकी वजह से वहां की सिटी डरना में सीवियर फ्लडिंग हो गई और इस फ्लडिंग में अब तक चार हजार लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है इस कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट के लिए मल्टीनेशन रेस्क्यू एफर्ट्स वहां चल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जो इन रेस्क्यू एफर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उसने बोला है कि ऐसा लिबिया में नहीं होता अगर ये कंट्री इतने समय से वॉर से नहीं जूझ रही होती और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि अगर लिबिया में अर्ली वार्निंग एंड इमरजेंसी सिस्टम्स होते तो इस कैटेस्ट्रॉफी से हुए नुकसान को बचाया जा सकता था ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जिसको मानसून सेशन के आखिरी दिन में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था इस एडिटोरियल के ऑथर हैं गौतम भट्टाचार्य जो एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट है यह नया बिल पोस्ट ऑफिस बिल 2023 अभी एग्जिस्ट कर रहे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट एटीन को रिप्लेस करता है इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि इस नए बिल में क्या मेजर चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है और कैसे यह बिल पोस्टल सिस्टम को फ्यूचर के लिए रेडी बनाता है तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि 1898 का सिर्फ और सिर्फ पर, करता था। पर इस नए बिल में डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को वाइड रेंजिंग अथॉरिटी दी गई है कि वो मेल सर्विसेज के साथ साथ बाकी और उससे रिलेटेड जरूरी एक्टिविटीज के लिए भी रेगुलेशंस बना सके और उनके चार्जेस भी अपनी मर्जी से फिक्स कर सके ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि अब इंडिया पोस्ट को अपने सर्विसेज के चार्जेस चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी बात करते हैं कि इस बिल में क्या चेंज किया गया है आई होप आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि डिलीवरी सर्विसेज एक तेजी से ग्रो हो रही फील्ड है एक समय पे जहां पर सिर्फ इंडिया पोस्ट ही अकेला सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था आज के समय में काफी सारे ऐसे छोटे से बड़े पोस्टल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि ब्लू डार्ट डिलीवरी डी टी वगैरह ये पूरी इंडस्ट्री इस समय काफी कम्पिटिटिव है और ये बिल इसी रियलिटी को समझते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट को फ्लेक्सीबिलिटी देता है कि वो अपनी सर्विसेज के प्राइसेस को मॉडिफाई कर सके मार्केट की डिमांड्स के अकॉर्डिंग इस नए बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट और एम्पावर कर पाए जो पोस्ट ऑफिस से किए जा रहे कोरियर के इंस्पेक्शन के लिए उसको रोक खोल सके इंस्पेक्ट कर सकें और अगर उसमें कोई इलीगल आइटम है तो उसको डिटेन कर सकें हालांकि ओरिजिनल 1898 लॉ में भी एक ऐसा सिमिलर प्रोविजन था पर ये नया प्रोविजन ज्यादा ड्राफ्टेड है और ये पोस्ट ऑफिस के मिस से किए जाने वाली ड्रग्स और बाकी और ऐसे इलीगल गुड्स की स्मगलिंग को कंट्रोल करने में मदद करेगा और इंटरेस्टिंगली इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया में इस समय प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रही कोरियर कंपनीज के पास ऐसे इंटरसेप्शन की पावर्स नहीं है और क्योंकि इंडिया पोस्ट के पास मार्केट का सिर्फ 15 परसेंट ही शेयर है इस इंटरसेप्शन पावर का इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में इम्पैक्ट काफी लिमिटेड होगा इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया की पोस्टल इंडस्ट्री में मेजोरिटी कंपनी छोटे या मीडियम साइज की हैं अगर इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन होता जो इन छोटे प्लेयर्स के लिए मैंडेटरी बना देता कि वो गवर्नमेंट की एक स्पेशली डेजिग्नेटेड बॉडी के साथ रजिस्टर करें और फिर गवर्नमेंट को उन रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज के पार्सल को इंटरसेप्ट करने की पावर दे देता तब कहा जा सकता था कि इस इंटरसेप्शन पावर से कुछ मीनिंगफुल इंपैक्ट हो सकता है अब बात करते हैं इस बिल के फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स की इस नए बिल में पोस्ट किए जा रहे आइटम्स के लिए उनका एड्रेस और उसके बाकी और आइडेंटिफायर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा हो सकता है जहां पर अभी हाथ से एड्रेस लिखा जाता है वहां पर अब डिजिटल कोड्स जैसे कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को यूज किया जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो ये पोस्टल सिस्टम की सॉर्टिंग और डिलीवरी को एक्यूरेट और एफिशिएंट बना देगा इन नए प्रोविजन से हो सकता है कि डिलीवरी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा सके इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस पीस के ऑथर बोलते हैं वो ये है कि ये 1898 वाले एक्ट के एक मेजर प्रोविजन को पूरी तरह से हटा देता है उस प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर्स की डिलीवरी करने की एक्सक्लूसिव पावर देता था मतलब सिर्फ इंडिया पोस्ट ही लेटर्स को डिलीवर कर सकती है सेंचुरी में में तो प्रोविजन मीनिंगफुल था पर 1980s में मतलब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ और जब इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई तब से यह प्रोविजन इंट है और इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के पेनिट्रेशन के बाद तो लेटर्स का यूज वैसे भी अब सिग्निफिकेंटली कम हो गया है इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज पावर को ड्रॉप करना एक सही स्टेप है दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स सी यू आफ्टर टू डेज ऑन मंडे